दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और अचानक आपके देखते देखते ही उसकी बॉडी में उसको जर्किंग आने लग जाते हैं, उसके झटके आने लग जाते हैं और सडनली वो पेशेंट जो होता है वो गिर जाता है ज़मीन पे और उसके मुंह में से धीरे धीरे उसमें से झाग आने शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी अकड़ जाती है और कुछ समय के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसमें वापस उसको होश आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसको जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, यह अगर कंडीशन आपने देखी है या अगर आप देखते हैं आपके आसपास में, तो यह जो कंडीशन है वह एपिलेप्सी या जिसको बोलते हैं सीजर्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं मिर्गी, ये मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी की डिजीज़ हो सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको जानकारी दूंगा इसी एपिलेप्सी या सीजर के बारे में कि आखिर ये एपिलेप्सी या सीजर जो डिजीज़ है यह क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम है कि आप इसको पहचान सकें और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आप इसको समय रहते इसको ठीक कर सकें। क्योंकि जब जिप्स किसी को भी एपिलेप्सी की या मिर्गी की शिकायत होती है, इनका जो ट्रीटमेंट होता है वह काफ़ी लंबे समय तक चलता है, कभी भी इसमें आपको अटैक आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको एपिलेप्सी की शिकायत है, एक बार होम्योपैथी आप जरूर लें, आपको इसमें ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, एपिलेप्सी की अगर सबसे पहले हम बात करें कि आखिर एपिलेप्सी या जो मिर्गी है या सीजर्स हैं ये होते क्या हैं, तो इसमें दोस्तों जो समझने वाली बात है वो होता है आपका, ये एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, यानी आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उसकी डिजीज़ है। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है या जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसमें आपके हाथ पैर आपके जो लिम्स होते हैं, आप जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो नर्व सप्लाई होती है, जो फैली होती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और यह जो होता है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसे CNS कहते हैं, उसे नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, आपके जो नर्व्स और जो आपके लिम्स है, लिम्स या और जो आपका जो ब्रेन है उसके बीच में जो मैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है नर्व्स के बीच में, उसके थ्रू होता है। और यह जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, जो आपकी ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है उसमें जब बढ़ जाती है, तब आपको एपिलेप्सी या सीजर आने शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में झटके आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद आपको ये वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। दोस्तों, जो एपिलेप्सी है अक्सर ये बुज़ुर्गों में और बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो एपिलेप्सी की जो कंडीशन होती है यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकती है, उसके बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये एपिलेप्सी की जो अटैक्स हैं ये वापस रिपीटेशन इसका जो अगर होता है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। दोस्तों, इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोकल, दूसरा होता है जनरलाइज। फोकल के अंदर यानी आपके ब्रेन के आपके कुछ हिस्से के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के कुछ हिस्से में आपको जर्किंग या स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है। और जो जनरलाइज होती है उसमें क्या होगा, आपके पूरे ब्रेन के अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण पूरी बॉडी में ही आपको जर्किंग होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और आपके मुंह में से झाग आना शुरू हो जाते हैं और बॉडी अकड़ जाती है। दोस्तों, जनरलाइज एपिलेप्सी जो होती है उसमें कुछ फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो बेसिकली जो पहला फेज होता है वो होता है आपका ग्रैंड माल एपिलेप्सी, या जिसे बोलते हैं मेजर एपिलेप्सी, या जिसे बोलते हैं टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब कभी भी आपको इस तरह की एपिलेप्सी की आपको प्रॉब्लम होने वाली है, उस समय आपका बिहेवियर आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आप नींद में से उठ सकते हैं थोड़े समय पहले, और उसके साथ साथ आपको एक ऑरा आना शुरू हो जाता है, और यानी आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि आपको अब अटैक आने वाला है, यानी आपको आपका जो बिहेवियर है बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपके देखने की सुनने की सूंघने की क्षमता आपकी चेंज हो सकती है, आपको उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, आपके पेट में कुछ हलचल हो सकती है, जिसकी सहायता से आपको पता चल जाता है कि अब आपके साथ में आपको एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में धीरे धीरे आपको उसमें अकड़न आना शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी बॉडी स्टिफनेस आ जाएगी, आपकी मुट्ठियाँ बंद हो जाती है, आपकी गर्दन घूम जाती है, और उसके बाद में आपको इसमें धीरे धीरे बॉडी में आपको जर्किंग आना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे आपको झटके आने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में से झटके आएंगे और आप खड़े हैं तो आप मान लीजिए एकदम से आप अचानक आप गिर पड़ते हैं, और गिरने के साथ ही आपको बॉडी में तेज़ तेज़ झटके आते हैं, आपके दांत जो होते हैं जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, और उसके साथ में हो सकता है आपकी जो जुबान है जुबान आपकी दांत के बीच में आगे से कट सकती है, और बॉडी में आपको तेज़ तेज़ झटके आएंगे, और उसके साथ साथ आपके मुंह में से झाग आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद में थोड़े समय बाद में आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एक तरह से आप समझें कि कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट के लिए आप कोमा में जा सकते हैं, और थोड़ी देर बाद में आप बिल्कुल ऐसा लगेगा वापस आप उठ जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था, आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और काफ़ी पेशेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, या वो थोड़ी देर पहले उनको एपिलेप्सी का अटैक आया और वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। इस तरह की जो कंडीशन होती है दोस्तों, वो आपको
जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी है या जो मेजर एपिलेप्सी है उसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो होता है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो ब्लैडर है वो ब्लैडर में कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपको कभी कभी आपको इस तरह की जो डिजीज़ होती है उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपको यूरिन भी होती है वो निकल आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टूल होता है स्टूल अपने आप आपको अनकॉन्शियसली आपका निकल आता है, आपको इनवॉलेंट्री आपका यूरिन और स्टूल जो होता है वो आपके कपड़ों में आ जाता है ड्यूरिंग अटैक। दोस्तों इस तरह की जो कुछ कंडीशन होती है जो कि आपको ग्रैंड मल एपिलेप्सी या आपको मेजर एपिलेप्सी में आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों जनरलाइज एपिलेप्सी का एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो ग्रैंड मल एपिलेप्सी या जो मेजर एपिलेप्सी के जो अटैक्स हैं जो मैंने आपको फेज बताएं वो एक के बाद एक आपको अटैक आते हैं बिना अनकॉन्शियस के, यानी आप अनकॉन्शियस नहीं होंगे और आपको अटैक आया आपको और आप बिल्कुल आप गिर पड़े हैं, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते ही एक और आपको अटैक आ जाएगा, उसके बाद में एक और आपको अटैक आ जाएगा बिना अनकॉन्शियस होने के। इस तरह के जो एक के बाद एक जब आपको अटैक आते हैं उस अटैक के अंदर आपको क्योंकि बॉडी में आपको जकड़न होती है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आती है, इस तरह के अटैक्स के अंदर आपको जैसे हाथों में स्टिफनेस आती है वैसे ही आपकी जो आपकी श्वास नली होती है श्वास नली के अंदर भी आपको इसमें जकड़न सी हो जाती है, इसमें आपको सांस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। दोस्तों यह इसका एक बहुत ही एक सीवियर फॉर्म होता है जिसके अंदर पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका एक और जो फेज़ होता है जिसको बोलते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी। पेटिट माल एपिलेप्सी में क्या होता है कि यह अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है और ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक नहीं आएंगे, बच्चा आपको ऐसा लगेगा कि एक टकटकी लगाकर किसी चीज़ पे उसकी नज़रें जो होती है वो फिक्स हो जाती है, उसको घूरता रहता है और उसके साथ साथ उसके एक हाथ में या उसके आँख में एक हल्की सी आप देखेंगे उसमें कुछ जर्किंग हो रही है, उसमें कुछ हल्का हल्का सा उसमें वाइब्रेशन से आपको महसूस होता है और थोड़े समय बाद में वो ठीक हो जाता है। दोस्तों इस तरह की जो है जो कंडीशन देखने को मिलती है तो वो एक पेटिट माल एपिलेप्सी हो सकता है। दोस्तों पेटिट माल एपिलेप्सी जो होती है उसमें सीजर कभी भी नहीं होंगे, सीजर इसमें एब्सेंस होंगे। दोस्तों ये इसके कुछ बेसिकली कुछ टाइप्स और कुछ फेज होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कारण की कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको एपिलेप्सी का या आपको मिर्गी का दौरा आता है। इसके जो कारण है वो अभी तक प्रॉपरली ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि यह जो डिजीज़ है यह फैमिली में रन करती है, आनुवंशिक हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आपको मान लीजिए अगर आपको बर्थ डिफेक्ट है, अगर आपके ब्रेन में कुछ डिफेक्ट है जन्म से ही तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या आपको ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चे का जन्म होता है तो ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे के अगर ब्रेन में कुछ अगर उसको इंजरी हुई है तो उसकी वजह से आप बच्चे को जब बड़ा होता है तो इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है, एपिलेप्सी उसको आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके ब्रेन में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया है, एनसेफेलाइटिस हो गया है, मेनिनजाइटिस हो गया है तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके ब्रेन में कोई डिफेक्ट है, कोई ट्यूमर बन गया है, या अगर आपको ब्रेन के अंदर आपको कोई मान लीजिए कभी इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो होती है वो डेवलप हो सकती है। यदि बच्चे के जन्म के समय अगर बच्चे में अगर हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ बेसिकली कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों जब कभी भी पेशेंट को एपिलेप्सी होती है उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, उसके परिजनों को ध्यान रखना चाहिए कि उसको अगर कभी भी वो अगर मान लीजिए वो अटैक क्योंकि कभी भी आ सकता है तो गाड़ी चलाते समय आ सकता है, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कहीं फर्श पे चल रहे हैं तो आ सकता है, इससे उनको इंजरी होने का खतरा होता है। मान लीजिए अटैक आया और सडनली वो गिर जाते हैं तो उसको इनको हेड इंजरी हो सकती है, या अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उनको एक्सीडेंट हो सकता है, अगर वो तैर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं तो उनको डूबने का खतरा हो सकता है। दोस्तों यह कुछ उनकी जो लाइफ को उनको खतरे की बात हो सकती है अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसलिए अगर पेशेंट्स को एपिलेप्सी की शिकायत है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, चलते समय ड्राइविंग नहीं करें या स्विमिंग अगर वो नहीं करें तो अच्छा रहता है उनके लिए। दोस्तों जब आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं जिसकी सहायता से आसानी से पता चल जाता है कि आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें जैसे कुछ टेस्ट हैं जैसे EEG कराया जाता है, इसके अलावा ब्रेन की MRI या CT स्कैन करा के देखा जाता है जिससे कि पता चल जाता है अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम आ रही है तो। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिंस की। दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको एपिलेप्सी की शिकायत है, अगर आपको मिर्गी के दौरे आते हैं, लंबे समय से आप इससे परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट जो होता है वो अपने बंद नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार उसको कंटिन्यू रखें। उसके साथ साथ आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें तो हो सकता है ये जो बीमारी है आपकी जड़ से ठीक हो जाए, आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों
इसमें कुछ मुख्य मुख्य मेडिसिन है जो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक बेलाडोना मेडिसिन है जो कि जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आपको एपिलेप्सी की शिकायत है तो। बेलाडोना इसमें 30 काम में लिया जाता है, बेलाडोना 30 स्पेशली अगर यंग पेशेंट जो होता है उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, तो बेलाडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिक्यूटा वीरोसा। अगर आपको बहुत सीवियर आपको इसमें अटैक्स आते हैं, कन्वर्जन होते हैं आपकी बॉडी में, तो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उस तरह के में सिक्यूटा वीरोसा 30 बहुत अच्छा काम करती है। सिक्यूटा वीरोसा 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। इसी तरह से दोस्तों मैं कहूँगा कि स्पेसिफिक दवाई जिसका कि नाम है एबिसिंथिनम, एबिसिंथिनम 30 को इसमें काम में लिया जाता है जिसके कि रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, और इस एबिसिंथिनम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है जिसको कि नाम है बुफोराना 30, बुफोराना 30 इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपको सोते समय नींद में अगर आपको एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं तो ऐसी कंडीशन में, या मेंसेस के दौरान आपको इस तरह के जो अटैक्स आते हैं एपिलेप्सी के, तो वहाँ पर है बुफोराना बहुत अच्छा काम करती है। बुफोराना 30 को इसमें लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। बुफोराना के पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलता है कि उनको इसके बाद में काफ़ी वीकनेस फील होती है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है क्यूप्रम मेट 30। क्यूप्रम मेट 30 को भी इसमें लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों क्यूप्रम मेट का जो पेशेंट होगा उसको ऑरा आएगा, पहले उसको पता चल जाता है कि अब उसके अटैक आने वाला है, और उसके साथ साथ ही उनके पेट में हलचल होना शुरू हो जाती है, मुंह में से झाग आते हैं, तेज़ उनको जर्किंग होती है, और इसके साथ साथ वो गिर भी जाते हैं। इस तरह की जो कंडीशन है वो अगर वो देखने को मिलती है तो क्यूप्रम मेट 30 लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि अगर आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट इसके साथ साथ आप कंटिन्यू रखें, आप अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन लें तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कोई भी मेडिसिन लें होम्योपैथी की, हमेशा अपने आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक हैं, उनसे सलाह अनुसार आप ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की है एपिलेप्सी के बारे में आपको ये पसंद आई, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।